प्यारे दोस्तों, यदि आप ऐसा लग रहा है कि आपको शनि की बाधा ज्यादा परेशान कर रही है या फिर काफी पीड़ित हो रखे हैं, तो आप छोटे छोटे एक दो उपाय कर सकते हैं। आपके समीपस्थ कई मंदिरों में जो है ज्योत प्रज्वलन के कार्यक्रम जैसे कि आप देखते हैं हो रहे हैं, तो उस जगह पे जाके आप सरसों तेल का कोई चाहे तो पीपा दे सकते हैं, यथाशक्ति तेल जो है थोड़ा सा भी आप डोनेट कीजिए, क्योंकि जब ये तेल जलेगा दियों पे जाएगा तो आपकी शनि की ऊर्जा जो है वो घटेगी और आपके जो है कार्य जो है सफल होंगे। इस काम को यहाँ पे भी कर सकते हैं, या अन्यथा जो अभी इस समय पे नहीं कर पा रहे वो जब नवरात्रि के भंडारे का समय होता है तो उस समय भी आप उस तेल का दान जो है किन्हीं भंडारों पे आप दे सकते हैं। आपके जो आपके मित्र हैं, आपके जो साथीगण हैं, जो माँ दुर्गा को जिन्होंने बैठाया है या जो जिन्होंने स्थापना की है भगवती की घट के कलश की, तो वहाँ पे भी आप इस प्रकार से तेल का दान जो है आप कर सकते हैं। इससे आप करते हैं तो आपको देखेंगे कि आपको काफ़ी लाभ होगा। साथ ही साथ यदि आप नवग्रह पीड़ा से भी पीड़ित हो तो आप मसाले भी दे सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप चना का दाल है यदि आप बृहस्पति जी के लिए देना चाहें, चावल दे सकते हैं, गेहूं दे सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हरा मूंग दे सकते हैं, लाल मसूर दाल दे सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास निकटस्थ जो भंडारे हैं उस जगह पर लाल मिर्ची है, ये सब जो मसाले के सामान वो सारे आप दे सकते हैं। इन सब चीज़ों पर नवग्रहों का उपवास होता है और इस प्रकार के प्रक्रिया को इसको यहाँ पर भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक दीपदान की प्रक्रिया होती है, यदि आप प्रतिदिन जिस भी ग्रह से थोड़ा सा बाधा से परेशान हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि शनिदेव की समस्या आपको ज़्यादा चल रही है, तो प्रतिदिन कौन ये नवरात्रि के कम से कम 9 दिनों पे 27 जो है एटलीस्ट 27 हो 27 जो है तेल के दिए प्रतिदिन आप प्रज्वलित कीजिए। उसमें थोड़ा सा काला तिल डालिए, थोड़ी सी काली सरसों डालिए और शनिदेव के नाम से उसे प्रज्वलित करें। 27 जो 27 दीपक है 9 दिन तक आप लगातार प्रज्वलित करें, तो ऐसा भी करेंगे, या इस पक्ष को आप आगे भी दशहरे तक आप इस प्रक्रिया को जारी कर सकते हैं। इसको आप देखेंगे कि लगातार जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि जो शनि का जो कुप्रभाव आपके परिवार पे, आपके घर पे, आपके व्यापार पे है, तो धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। तो डोनेट करने का एक बहुत सुनहरा पर्व है, बहुत अच्छा समय है, और इसके साथ आप डोनेट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने भाग्य में या अपने जीवन की जो रुकावटें हैं उसे दूर भी कर सकते हैं। ये छोटा सा उपाय है, यदि अच्छा लगे तो कीजिएगा।